हेलो दोस्तों, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 11 में कितनी बार एग्ज़ाम्स होंगे और कब कब होंगे? अभी देखिए, चल रहा है जुलाई और जुलाई लगभग ख़त्म होने वाला है। अगस्त, सितंबर, तो सबसे पहले आपके टर्मिनल एग्ज़ाम होंगे और वो टर्मिनल एग्ज़ाम लिए जाएंगे अक्टूबर मंथ में। कोरोना से पहले जब नॉर्मल कंडीशंस हुआ करती थी, तब आपके दो टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते थे, एक तो सितंबर में और एक दिसंबर में। चलिए, इस बार तो टर्मिनल एग्ज़ाम एक ही बार होगा और वो होगा अक्टूबर में। अब बात करते हैं एनुअल एग्ज़ाम की, एनुअल एग्ज़ाम कब होगा। तो वैसे पहले एनुअल एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म कर दिया जाता था किसी भी तरह से, अप्रैल में बहुत कम चांसेस होते थे पहुँचने के। लेकिन इस बार रिज़ल्ट लेट आया है, क्लासेस थोड़ा लेट स्टार्ट होंगी, इसलिए इस साल एनुअल एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में ख़त्म होने के चांस हैं। तो पहले तीन बार एग्ज़ाम्स होते थे आपके, दो टर्मिनल एग्ज़ाम्स और एक एनुअल एग्ज़ाम, लेकिन इस साल एक टर्मिनल एग्ज़ाम होगा और एक बार लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपके यूनिट टेस्ट भी होंगे, यूनिट टेस्ट कब होंगे वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास 11 में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्लास 11 में एडमिशन का प्रोसेस क्या से क्या होता है, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, और आपको किस स्कूल में किस स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है, आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ये सब वीडियोस चैनल पे बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन वीडियोस को देख भी सकते हैं।